हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन ढाका में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज लच्छा सैलड। तो प्याज लच्छा सैलड बनाने के लिए हमें किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। और फ्रेंड्स, आप ये जो मैं प्याज लच्छा सैलड बनाऊंगी, ये आप रोटी सब्जी के साथ, परांठे के साथ, आप इसको ब्रेकफास्ट लंच में इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको चावल बिरयानी और चावल दाल के साथ भी इसको खा सकते हैं, रोटी दाल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, ये इजीली घर में बन जाता है, इसमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। तो हम नॉर्मली इसको डेली यूज में प्याज और सलाद में खाते ही हैं और इसको बनाने में भी टाइम बिल्कुल नहीं लगता, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं बताती हूँ आपको कि मैं ये सैलड कैसे बनाऊंगी और इसके लिए मुझे किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो में बताती हूँ। तो लच्छा प्याज सैलड बनाने के लिए मैंने ये प्याज ले लिया है। प्याज हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने प्याज को छील लिया है और ये सैलड जो है ये बड़े प्याज से ही बनता है, छोटे से थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, मैंने प्याज लिया है, इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ। इसको हमें राउंड राउंड में कट करना है, तो ऐसे करके हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने प्याज को ऐसे ही कट कर दिया है। इससे हमें अच्छे अच्छे लच्छे बन जाएंगे। तो ऐसे ही मैं सारे प्याज को कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारे मैंने सारे प्याज कट कर लिए हैं, सबको मैंने पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं। ये देखिए। तो अभी आगे का बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये मैंने एक हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च ऑप्शनल है, इसमें आप एक दो जितना आपको जितना अच्छा लगे आप इसमें डाल सकते हो। मैंने ये एक हरी मिर्च ली है जो ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया है और मैं इसको ये कट मार दूंगी इसके बीच में। बीच में से कट मारने के बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर जो बीज हैं वो बीज निकाल देने हैं। तो मैं ऐसे करते हुए इसके बीज को निकाल दूंगी। जब भी मिर्च का सलाद बनाएं आप, तो मिर्च का जो बीज होता है उसको जरूर निकाल दीजिए। मिर्च के बीज अच्छे नहीं होते खाने में। तो ये देखिए, मैं इसके तो ये देखिए मिर्च के मैंने सारी मिर्चों के बीज निकाल दिए हैं और इसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप इसमें ऐसे लंबे भी यूज कर सकते हैं और आप चाहो तो इसके बारीक बारीक पीसेस भी कर सकते हो। तो मैं इनको बारीक पीस कर देती हूँ दो के, और बाकी दो मैं लंबे लंबे कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दो को बारीक कट कर लिए हैं और इसके मैं लंबे लंबे पीसेस बना देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके बिल्कुल लंबे लंबे पीसेस बना दिए हैं। और ये मैंने एक नींबू लिया है। तो चलो हम सैलड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्याज हमने गोल गोल काट के रखे थे उनको हमें क्या करना है, इनको हमें ऐसे करते हुए इसके ये लच्छे निकाल देने हैं। तो ऐसे करके हम इसके सारे लच्छे निकाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हैं तो आराम से ये लच्छे निकल जाते हैं इसके। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लच्छे निकाल लिए हैं प्याज के। ये देखिए, सारे कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इनके अंदर सबसे पहले हमें डालना है जो हमने हरी मिर्च ली थी वो डाल देंगे। हरी मिर्च को बहुत ही केयरफुली डालना है, हाथ को नींबू से रब कर लेते हैं मिर्च हाथ में लेने के बाद में, नहीं तो मिर्च जो है वो हाथ में लग जाती है और इसका जो टेस्ट होता है वो जाता नहीं है। तो मैंने ये डाल दिया है हरी मिर्च। जब भी आप हाथ से हरी मिर्च को कट करो तो हाथ पे नींबू रब कर लेना चाहिए, उससे मिर्च का जो जो झल्लाट होता है वो नहीं लगता है। अभी हमें क्या करना है, हरी मिर्च के बाद में हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर
तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, तो मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ जो मसाले वाला चम्मच है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसाला जो आपको जितना अच्छा लगे आप इसमें कर लीजिए। इसके बाद में मैंने चाट मसाला लिया है, तो ये चाट मसाला भी एक चम्मच है पूरी, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर लूँगी और इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ब्लैक पेपर पाउडर भी मैं इसमें आधा से चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। आपको अगर अच्छा लगे ज़्यादा मसाला तो आप इसमें ज़्यादा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और मैं लास्ट में इसमें लूँगी मैं नमक, नमक इसमें मैं डाल दूँगी। और अभी मैं लूँगी नींबू, ये नींबू मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज में हम सलाद के लिए जो प्याज हम यूज़ में लेते हैं उनमें अगर हम नींबू और नमक डाल दें तो जो कच्चापन होता है प्याज का उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो ये मैंने एक नींबू ले लिया है, वो डाल दिया है पूरा। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी है इसमें, मसाला भी ऐड कर दिया है, नींबू भी ऐड कर दिया है। अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो हम इसको ऐसे करते हुए इसमें मिक्स कर देंगे ताकि सारा जो मसाला है वो पूरा प्याज पे अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए सारे प्याज को ले लेना है अच्छे से इसमें मिक्स करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मसाला को मैंने अच्छे से प्याज के लच्छों में मिक्स कर दिया है और ये कितना बढ़िया अच्छे से ऐड हो गया है सारा। अभी हमें क्या करना है, जो हमने धनिया लिया था हरा धनिया काट के उसको डाल देना है। याद रखिए हरा धनिया हमेशा हमें लास्ट में ही डालना है, जब हमारा पूरा सैलड बनके तैयार हो जाएगा उसके बाद में हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना जल्दी हमारा सलाद बनके तैयार हो गया है, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बन गया है। तो अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा मैंने चौकोर प्लेट ली है, इसमें मैंने सर्व किया है इसको। इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा सा हरा धनिया और मिर्ची से थोड़ी टॉपिंग की है। तो आपको मेरी ये सैलड की रेसिपी कैसी लगी प्लीज फ्रेंड बनाइए और खाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और चैनल पे कोई दोस्त न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।